जिले के चाकुलिया नगर पंचायत इलाके में विधायक कुणाल शारंगी प्रचार करने पहुंचे, जिसमें विधायक ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। रणनीति का खुलासा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, आज इन 3 सालों में जो यहाँ सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा नगर पंचायत तो बना दिए गए हैं, लेकिन नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ना तो वो अधिकार दिया गया और ना ही सरकार की कोई क्लियर कट पॉलिसी है। होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। नगर पंचायत को फंड्स के नाम पर पूरा का पूरा जो है पार्षदों की अनुशंसा पर छोड़ दिया गया है। जो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं सिर्फ नाम मात्र के हैं, जिनको कोई प्रशासनिक अधिकार या फंड का अधिकार, उस तरह का स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर और विशेष करके चकुलिया जो नगर पंचायत क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी, जब यहाँ पे विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, बारिश के दिनों में चकुलिया टापू बन जाता था। जो धालबुगढ़ बेंद की सड़क है और चकुलिया मटियाना की सड़क है, विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने लगातार इसके लिए आंदोलन किया है और आज ये दोनों सड़कें बनकर तैयार हैं। अभी भी कई काम यहाँ किए जाने वाले बाकी हैं और मुझे लगता है अगर यहाँ की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ मौका देगी, हमारे उपाध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं उन्हें मौका देगी, जो जिन लोगों को अध्यक्ष पद में हम लोगों ने अपना समर्थन दिया उन्हें मौका देगी, तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले दिनों में और भी कार्य करेंगे जिसकी आकांक्षा यहाँ पर लोगों को। सड़ंगी जो अपना दावा पेश कर रहे थे और अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिना रहे थे, तो पूरा माहौल जो है चाकुलिया नगर पंचायत में चुनाव का बन चुका है और सभी जो स्टार प्रचारक हैं अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ अनि अमृता, न्यूज 18 चाकुलिया नगर पंचायत घाटशिला अनुमंडल जमशेदपुर। और इधर चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी दिलचस्प तरीके अपना रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद में भी चुनाव में जीत के लिए जादूगर का सहारा लिया जा रहा है।